प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 के एसएसटी का पेपर देखने वाले हैं। और इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना बच्चे, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन उठ करके आने वाले हैं बच्चा, इसलिए तुम ध्यान से क्वेश्चन पेपर को देखना और इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। लेकिन उससे पहले इस बच्ची को जल्दी से थैंक यू बोल दो, क्योंकि इसने ही हमें व्हाट्सएप के थ्रू अपने इस क्वेश्चन पेपर को भेजा था ताकि तुम्हारी हेल्प हो सके। और अगर तुम लोग भी चाहते हो किसी दूसरे बच्चे का हेल्प करना, तो जल्दी से मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर सर न्यूटन वाला जो मेरा ईमेल एड्रेस है वहां पर तुम लोग, जो दोनों मैं अपने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है ना, तो वहां पर तुम लोग मुझे अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हो। हम तुम्हारे क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे। अगर प्री बोर्ड एग्जाम्स तुम्हारे हो गए हैं तो फटाफट तुम लोग हमें शेयर कर देना ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके, जैसे इस बच्चे ने तुम्हारी हेल्प की है। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस में, जहां पर तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का है जैसा कि बोर्ड्स में होता है, एंड टाइम तुमको 3 घंटे मिलेगा। और ये जो पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन है, ये पूरा उठ करके कहां से आया है, तो जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर अपना बनाया है ना, पूरा उसी से ये क्वेश्चन पेपर बनता है। जो हमारा प्री बोर्ड होता है सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ही बनता है, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास टोटल 37 क्वेश्चन इस बार होने वाले हैं, 1 से 20 तक जो है ऑब्जेक्टिव है। फिर हमारा सेक्शन बी जो है वहां पर हमारा 21 से 24 तक के क्वेश्चन है, दो दो नंबर वाले। फिर 25 से 29 तक तीन तीन नंबर के क्वेश्चन है। तो ये भी तुम लोगों को पता होना चाहिए, एक पैटर्न पता होना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से तुम लोगों को पेपर देना है, केवल वहां घूम करके नहीं आना एग्जाम के हॉल से, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस पेपर को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन ए में, द प्लेस वेयर द प्रीस्ट एंड बिशप वेयर पनिश्ड, उसको क्या कहा जाता है, साइबेरिया, टुंड्रा, मंगोलिया या फ्रांस, किस प्लेस में होते थे, उनको पनिश कहां पर किया जाता था। दूसरा क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ वॉल्स जिट्स, इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो रीड करने में इतना टेढ़ा खिचड़ी लग रहा है, टेढ़ी खीर है, इसे हम लोग कैसे रीड करें, इसका मतलब क्या है, कॉमन पीपल है, स्पिरिट ऑफ द नेशन है, म्यूजिक है, इंजॉय द पार्टी। अच्छा छोटा सा डिस्क्लेमर देना तो मैं भूल ही जा रहा हूँ, डिस्क्लेमर यही है बच्चा कि मैं शुरू से ही एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रह चुका हूँ, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होने की वजह से ऐसे कई से बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैं कई बार ना रीड करने में अटपटा सा रीड करता हूँ। तो तुम लोग ज़्यादा हंसी मजाक नहीं उड़ाने का, तुम लोगों को बस क्वेश्चन पेपर में ध्यान देना, फोकस करना है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, द फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वॉज फॉर्म बाई ब्रिटिश ट्रेडर, इंडियन फार्मर, इंडियन मर्चेंट्स एंड डी ऑप्शन है स्टूडेंट ऑफ कॉलेज। फोर्थ क्वेश्चन है वेयर वॉज गांधीज आश्रम लोकेटेड, दांडी, साबरमती, अलाहाबाद या मथुरा। फिफ्थ क्वेश्चन मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, एलियन पीपल, सेम पीपल, नन ऑफ दिस। देन आगे बढ़े अगर छठवां क्वेश्चन देखें, सो सिक्स क्वेश्चन इज टाटा स्टील इज एन अमेरिकन एमएनसी, इंडियन एमएनसी, चाइनीज एमएनसी, कोरियन एमएनसी। सेवेंथ क्वेश्चन कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोसाइटी, पीपल, सोशल कम्युनिटी या नन ऑफ दिस। फिर है फिल इन द ब्लैंक, अनदर नेम फॉर सेकेंडरी सेक्टर इज, सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा क्या नंबर नाम हो सकता है। देन नाइन्थ क्वेश्चन है एटीएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर है ना, टर्टरी सेक्टर या फिर ऑल ऑफ दिस। देन टेंथ क्वेश्चन है रबी क्रॉप्स वेयर स्ट्रॉन इन, रबी क्रॉप्स कब हम लोग बोते हैं, विंटर में, मानसून में, समर में या नन ऑफ दिस। देन द क्रॉप दैट इज यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर, कौन से क्रॉप को यूज किया जाता है, रागी को, ज्वार को, मेज को या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। देन ट्रू और फॉल्स है मिनरल्स आर यूजुअल फाउंड इन ओर्स, ठीक है ये सही है या गलत है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। देन थर्टीन क्वेश्चन है व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्लैंक वॉज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर, ब्रुसेल, पेरिस, लंदन या फिर ज्यूरिख। देन फोर्टीन्थ है इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड इट्स सिटीजन एज अ सिटीजन्स अ राइट एंड मीन्स टू एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन इट इज ब्लैंक, क्या होगा इसमें, एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अ स्टेबल गवर्नमेंट या फिर अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। फिफ्टींथ है ब्लैंक इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, श्रीलंका, इंडिया, केन्या या जर्मनी। देन सिक्सटीन क्वेश्चन व्हाट इज परसेंट ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका, 74, 14, 75 या फिर 19। देन वी कैन जज डेमोक्रेसी बाई इट्स पीपल, आउटकम्स, पॉलिटिकल पार्टीज या नन ऑफ दिस। 18th क्वेश्चन पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, ऑथोरिट्रियन, डिक्टेटरशिप या नन ऑफ दिस। देन आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स में, दो ट्रू और फॉल्स के भी क्वेश्चन हैं।
इन अ SHG मोस्ट ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग अ लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय गवर्नमेंट। ये तुम्हारा ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। देन मनी इज मेजर ऑफ करेंसी वैल्यू ट्रांसफर और ऑल ऑफ दिस। तो ये तुम्हारे टोटल 20 नंबर के क्वेश्चंस थे बच्चों, जिनको तुमको कंप्लीट करना है। तुम मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना कि इन 20 क्वेश्चंस में से तुमसे कितने क्वेश्चंस ईमानदारी से बन रहे हैं, बिना रीड किए, बिना गूगल में आंसर ढूंढे, बिना बुक में आंसर ढूंढे, तुमसे अभी कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो। तो ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि बच्चों का जो लेवल है ना अभी क्या चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इजी लेवल का है, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर नहीं है ये। चलो सेक्शन बी में आ जाते हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग बाई 1921, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ दिस स्वराज फ्लैग। देन अगला है, इन वॉट रिस्पेक्ट इज़ द क्राइटेरियन यूज बाई UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज बाई द वर्ल्ड बैंक। देन 23 क्वेश्चन है, वाट आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज। देन 24 क्वेश्चन, वाई डोमेक क्या है यार डेमोक्रेटिक, क्या आगे पढ़ रहा हूँ मैं, थक गया लगता है, बहुत सारी वीडियोज़ बना दी हो ना इसीलिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिडर द बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, डेमोक्रेसी ही क्यों हम लोग का जो होता है ना, जैसे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, हम लोग अपने से चुने हैं, तो ये वर्ल्ड में बेस्ट क्यों होता है ये हमसे पूछा जा रहा है 24 में। देन सेक्शन सी में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, वाई डिड द डिफरेंट सोशल ग्रुप ज्वाइन द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन। देन 26 क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंड। देन वुमेन इन इंडिया स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस वे, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। फिर अगला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन विथ एग्जाम्पल्स। इन दोनों के बीच में तुमको डिफरेंसेस बताने हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन डी में, जहाँ पर तुम्हारे पास बहुत सारे मजेदार क्वेश्चंस हैं। सो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेपोलियन कोड। अगला है, एक्सप्लेन एनी फाइव डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन एंड व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन। फिर अगला उसी से रिलेटेड है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ सुटेबल पॉइंट्स। लास्ट हमारा सेक्शन ई में पहुंच जाते हैं हम लोग, जहां पर हम लोगों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया होगा। तो ये रहा तुम्हारा एक केस स्टडी, इसी से रिलेटेड नीचे में क्वेश्चंस होंगे। चलो जल्दी से रीड करते हैं क्या केस स्टडी है। पहला, वर्कर्स टू हैड देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द मोशन ऑफ स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम मीन्ड द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस कॉन्फाइंड स्पेस इन विच दे वेयर इनक्लोज्ड एंड इट मीन्ट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। अंडर द इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वेयर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन एंड इन फैक्ट दे वेयर रेयरली गिवेन सच परमिशंस। वेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड ऑफ वर्कर डिफाइड द अथॉरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम। दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरी वन वुड बी गिवेन लैंड इन देयर ऑन विलेजेस। दे हाउ एवर नेवर रीच देयर डिस्टिनेशंस, स्ट्रेंडेड ऑन द वे बाई द रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक। दे वेयर कॉट बाई द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। ऑफ द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वेयर नॉट डिफाइंड बाई द कांग्रेस प्रोग्राम। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ऑन वेज, इमेजिनिंग इज टू बी अ टाइम वेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। येट वेन द ट्राइबल चैंटेड गांधी जी नेम एंड रेज्ड स्लोगन डिमांडिंग सर्टेन स्वतंत्र भारत, दे वेयर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू एन ऑल इंडिया, क्या है ये, एजिटेशन, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं, कोई बात नहीं चलेगा। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with the movement which went beyond the limits of their immediate locality.
अब आते हैं क्वेश्चन के पास। ये बड़ा सा तुमने पढ़ लिया पैसेज, इसका तुमने जो फीलिंग्स थे वो समझ लिए हैं। अब आंसर करो कि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसका मोटिव क्या था। दो नंबर तुमको यहाँ पर मिलेगा। देन व्हाट पॉजिटिव इम्पैक्ट वाज लेड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके थ्रू हम लोगों को क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। एक नंबर का क्वेश्चन है ये। फिर अगला है व्हाट डिड फ्रीडम मीन फॉर द प्लांटेशन वर्कर इन असम, उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था ये तुमको बताना है। ठीक, तो ये भी एक पैसेज वाला क्वेश्चन था, केस स्टडी क्वेश्चन था। देन आ जाते हैं अगले में, यहाँ पर जो हमारा 35th नंबर का क्वेश्चन है ये भी केस स्टडी है। महाराष्ट्र इज ए स्टेट लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया विथ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 110 मिलियन पीपल। द स्टेट इज होम टू सेवरल लार्ज सिटीज इंक्लूडिंग मुंबई एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर सेक्टर। हाउ एवर द स्टेट इज फेसिंग अ सीवर वाटर क्राइसिस विथ इट्स वाटर रिसोर्सेज कमिंग अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। द मेन चैलेंजेस फेस्ड बाई वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन महाराष्ट्र आर, जो मेन चैलेंजेस थे वो ये तीन चैलेंजेस हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंड वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट इन इंडिया विथ डिमांड ऑफ फोर वाटर एक्सीडिंग द सप्लाई। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड अर्बन यूज हैज लेड अ डिक्लाइन इन वाटर लेवल विच हैज सेवर इम्प्लीकेशन फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। देन सेकेंड है पॉल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव लेड टू द पॉल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर बॉडीज सच एज रिवर एंड लेक्स। देन द पॉल्यूशन हैड हैज लेड टू वाटर क्वालिटी डिग्रेडेशन विच पोज रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। देन थर्ड क्या है इनएफिशियंट इरीगेशन प्रैक्टिसेज। द एग्रीकल्चर सेक्टर इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ वाटर इन महाराष्ट्र अकाउंटिंग फॉर अराउंड 80% ऑफ टोटल वाटर यूज। हाउ एवर ट्रेडिशनल इरीगेशन प्रैक्टिसेज सच एज फ्लड इरीगेशन आर इनएफिशियंट एंड लीड टू द वेस्टेज ऑफ वाटर। पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बन रहा है भाई, मेंशन एनी टू रीजन फॉर वाटर क्राइसिस फेस्ड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दो नंबर क्वेश्चन है। देन सेकेंड क्वेश्चन बन रहा कि प्रपोज एनी वन सॉल्यूशन टू मिटिगेट द वाटर क्राइसिस फेस्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट, अपने को एक सॉल्यूशन बताना है कोई। फिर थर्ड है डिस्पाइट बींग द सेकेंड हाइएस्ट रेनफॉल रिसीविंग स्टेट ऑफ द कंट्री महाराष्ट्र स्टिल फेस वाटर क्राइसिस सब्सटेंटेट दिस स्टेटमेंट, ये भी तुम्हारा एक नंबर क्वेश्चन है। लास्ट में क्या है 36 वाला, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो, फिर वही चीज़ है तुम्हारे पास। यहाँ पर भी एक छोटा सा केस स्टडी दिया हुआ है और उसका भी आंसर करना है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या देख लेते हैं जल्दी से। हैविंग एश्योर्ड देमसेल्फ टू ऑफ दिस कंडीशन MNC सेट अप फैक्ट्रीज एंड कॉफीज सॉरी ऑफिस फॉर प्रोडक्शन। द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट सच एज लैंड बिल्डिंग मशीन एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मनी। दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड बिल्डिंग मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNC इज कॉल्ड फॉरन इन्वेस्टमेंट। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दिस एसेट विल अर्न प्रॉफिट्स। At times, MNCs set up production jointly with some of the local companies of these countries. The benefit of the to the local company of such joint production is twofold. First, MNC can provide money for additional investment, like buying new machines for faster production. Second, MNCs might bring with them the latest technology for production. So first question is what do you understand by foreign investment, then second question what is the meaning of investment, third question mention any one benefit of local company which set up joint production with an MNC. फिर लास्ट जो हमारा सबसे जरूरी पोर्शन बचा हुआ है वो है मैप स्किल वाला। मैप स्किल में तुमको अलग अलग है, दो नंबर तुमको मिले रहने वाला हिस्ट्री में और तीन नंबर मिलने वाला है जियोग्राफी में। हिस्ट्री में क्या है भाई, द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन डिसम्बर 1920। फिर दूसरा है द प्लेस वेयर चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस। फिर बी वाले ज्योग्राफी वाले में है हल्दिया पोर्ट। एंड फिर सेकेंड है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड थर्ड है नागार्जुना सागर डैम। तो इस तरीके से तुम्हारे ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है, मीडियम टाइप का लेवल का क्वेश्चन पेपर है। तुम लोगों से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और MCQ वाले भी और ऐसे भी। टोटल क्वेश्चन जो 37 हमारे पास हैं इसमें तुम कितने क्वेश्चन बना सकते हो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो बच्चे लोग हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ कि अगर तुम लोगों को भी चाहिए कि तुम किसी और बच्चे का हेल्प करना चाहती हो
तो मुझे अपना क्वेश्चन पेपर तुम लोग व्हाट्सएप या फिर मेरे ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, या तो क्लियर पिक लेकर के भेज देना या फिर उसका पीडीएफ इसी तरीके से बना करके भेज सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।